स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नरेंद्र मोदी की संघर्ष की कहानी है फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी। तमाम विवादों के बाद आखिरकार फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी आज रिलीज की गई। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। लोगों ने रियल पीएम मोदी और उनके कामों को बहुत पसंद किया है। यह मोदी के जीत से साफ हो गया है। अब बारी है उनके बायोपिक पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की। क्या लोग उन्हें पसंद करेंगे? फिल्म की रिलीज को लेकर फिल्म पहले से ही विवादों में फंसती रही है। अब आखिरकार फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म में विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी के रोल में नजर आ रहे हैं। ये शुरुआती समय है। फिल्म को लेकर लोगों का मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी कहती है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत 2013 की बीजेपी की उस बैठक से होती है जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। इस फिल्म को 3-4 भागों में दिखाया गया है। जब मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, मोदी के पिता चाय की दुकान चलाते थे तो माँ घरों में बर्तन मांजती थी। थोड़ा बड़ा होने पर नरेंद्र ने अपने घर वालों से सन्यासी बनने की इजाजत मांगी तो घर वालों ने उन्हें शादी के बंधन में बांधने की सोची, लेकिन नरेंद्र ने शादी से पहले ही घर छोड़ दिया। हिमाचल की चोटियों में अपने जीवन का उद्देश्य तलाशने के बाद नरेंद्र ने बतौर RSS वर्कर गुजरात वापसी की और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म में दिखाया गया है कि मोदी किस तरह संघर्ष कर गुजरात के CM से लेकर भारत के PM तक पहुंचते हैं। फिल्म में मोदी की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं से भी रूबरू कराती है। उनको सत्य घटनाओं से प्रेरित बताया गया है, लेकिन विवादों से बचने के लिए शुरुआत में लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिया गया है। महज 2.25 घंटे में मोदी की कहानी को सदे हुए अंदाज में समेटा गया है। फर्स्ट हाफ में फिल्म की कहानी मोदी के बचपन से लेकर गुजरात दंगों तक जाती है तो सेकेंड हाफ में उनके भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिखाया गया है। तो हमें सुन सुनाई की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से हमें सिंधी ऐप डाउनलोड करें और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।